हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय व्लॉग। और मैं हूँ नीलोफर और मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन अब से रमज़ान शुरू है तो फिर मैं अपना व्लॉग डेली डाला करूँगी। और आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा व्लॉग फुल देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो ये है सबवे, आज है मतलब चांद रात और मैंने की है रमज़ान की थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो मैं और फैज़ जा रहे हैं और मैं दो पार्ट में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर कोई देख नहीं पाता, उसको सब इग्नोर करते हैं थोड़ा थोड़ा देख के। और ये है तो रमज़ान की मुझे शॉपिंग ऐसी करनी है कि मुझे इस बार कुछ भी घर में ज़्यादा बनाने का दिल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा फ्रोजन फूड मतलब 0 डिग्री से ख़रीद लूँ और स्टोर कर लूँ ताकि जब मेरा दिल हो कि आज मेरा दिल कुकिंग का नहीं है तब मैं उसे निकाल के यूज़ करूँ। लेकिन मैं इस बार कुछ भी फ्रोजन फूड घर में बना के स्टोर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिल भर गया है यूट्यूब पर देख देख कर, इतना फ्रोजन फूड बना बना के सारे यूट्यूबर्स स्टोर कर रहे हैं फिर उसे खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना यूज़ होता है क्योंकि मुझे देना भी होता है हर जगह जहाँ से आता है, तो ये 10 पीस से मेरा कुछ भी नहीं होना है। तो मुझे तो डेली जो भी होता है इफ्तार में वो बनाना ही होता है और मुझे बनाना है, मैं यही सोचती हूँ कि यार क्या टाइम लगता है, इबादत के लिए भी बहुत टाइम, 24 आवर्स में से कुछ वक्त तो कुकिंग पे दे ही सकते हैं, ऐसे तो कोई नहीं करता कि 24 आवर्स इबादत ही करते रहें। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा मैसेज और मैं ये सोचती हूँ। उसके बाद हर इंसान का एक खुशी होती है दिल में कि बस रमज़ान आ रहा है, चलो साल में एक ही मंथ तो ऐसा होता है कि इंसान को कुछ कुछ ना अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनानी होती है डेली। और ये घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग चल रही थी, सारी क्लीनिंग हो चुकी है, बस किचन बाकी था तो मैंने लास्ट में आज करवा दिया। शॉपिंग मेरी हो गई है और आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और बस आज चांद रात के दिन का मॉर्निंग का है ये। और शाम को मैं बहुत थक गई थी तो मेरी हिम्मत नहीं थी तो हम बाहर खाना खाने चले गए। हम सब किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा। बेच के अच्छा लगा। पापा को लूज मोशन हो गए थे और उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया। यो यो रेस्टोरेंट में आपसे लूज मोशन करते थे। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कामिल, व्हाइट पास्ता ही खा लो। मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, खा लो खा लो। मैं व्हाइट पास्ता ही खा लेती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। खा लो अल्लाह के वास्ते। अब कोई मत डलवाना, कोई सा भी फ्लेवर पेज ये तू ले ले। हमको कौन सा डलवाना है, प्लीज पेज ये वाला ले ले। नहीं नहीं मैं अलग अलग खाऊंगा। हमको कौन सा डलवाना है, हमको शौक चढ़ा है पिज्जा डलवाने का लूज पापा के। गाइस देखिए मैंने बिगाड़ा है सब, मैं खाने वाली नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कितना भर भर के खा रही है, चुप हो जाओ। देखो गाइस ये सब मैंने बिगाड़ा, मुझे पिज्जा यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल बकवास, ब्रेड ब्रेड के ऊपर चीज, और फिर मैं जाके व्हाइट पास्ता लेके आई और ये सोया पनीर है तो मैं ये खा रही हूँ। कैसा लगा, खा लो यार। लुईस पापा यानी समय में मेकअप कैसा लग रहा है, बोला सही सब्जी अच्छा है खाने के लिए। ये
कौन सी चाहिए? भैया कुत्ते तो भगा दो। डर लगता है ये हाथ में से ले लेंगे तो। गाइस पापा लुईस में कुत्ता भी है। कम आया तो सारे काम मेरे खत्म हो गए। और ये चटनी बन रही है। चटनी में मैंने साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, थोड़ी सी अदरक और नमक और थोड़ी काली मिर्च और ये सब डाला है। इमली का पल्प डालूंगी, ये पहले थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाए ताकि ये 1 मंथ 2 मंथ तक चल सके, इसलिए मैं इसे बॉइल्ड कर रही हूँ। फिर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लूँगी और जब इमली का पल्प डालूंगी तो फिर से इसे बॉइल करूँगी। हेलो गाइस, तो ये है मेरी खट्टी और तीखी वाली चटनी जो मैंने रमजान के लिए बना के रख दी है, मतलब अब रख दूंगी। ये बन रही है और ये थोड़ी मैंने पतली सी बनाई है क्योंकि जब मैं इसे फ्रिज में स्टोर करूंगी तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो अभी मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है। और मैंने इसमें क्या क्या डाला जो आप सब जानते हैं कि चटनी में क्या क्या डलता है, नॉर्मल सी चीज़ें। अब मैं सौंठ वाली चटनी बनाऊंगी और उसी के साथ मैंने थोड़ा स्प्राउट्स जो सहरी में खाने के लिए स्टोर करना है वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये था आज का मेरा जो मॉर्निंग का एक छोटा सा क्लिप वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी क्लीनिंग बाकी है, झाड़ू पोछा होना बाकी है और मेरा जो लंच बन चुका है, नाश्ता ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और मैंने आपके साथ शेयर किया वाटरमेलन के बाद के ब्रेकफास्ट में सिर्फ वो खाया है मैंने। और अदरवाइज कोई भी फ्रूट आप जो पसंद करते हैं वो ले सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन बहुत हेल्दी होता है क्योंकि जूस बनाने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास स्लो मोशन वाला जूसर भी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करती क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। मेरे पास मेड भी नहीं है फुल टाइम की, तो फिर वो सब धोना पड़ता है, उसका सारा तामझाम, तो मैं अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं फ्रूट ही खा लेती हूँ। और हाँ, डेली कभी कभी दिल जाता है चीट डे बनाने का तो बना सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बना सकते हैं, लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि लोड ना लें, मेंटली लोड ना लें, क्योंकि आप फिज़िकली अपने आप को सही करने के लिए कुछ भी डाइट फॉलो करते हैं, चाहे वो जिम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, अल्लाह ना करे कुछ भी चीज़ हो, तो आप कोई डाइट फॉलो, तो आप मेंटली लोड लेते हैं, अरे ये खाना, उससे आपको फिजिकली सही हो जाएंगे लेकिन मेंटली बीमार हो जाएंगे। तो आपको जो खाना है वो खाएं, लेकिन कभी कभी चेंज करें अपनी डाइट को और ज़्यादातर हेल्दी खाएं। पहले मैं उठते ही अंडा पराठा, चाय पराठा ये सब खाया करती थी, तो अभी मैंने बिल्कुल उसे छोड़ रखा है। 2 महीना हो गया, बिल्कुल भी अजान हो रही है, अजान के बाद आपसे बात करती हूँ।